नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दिस इज चंद्रमौल इन फ्रंट ऑफ यू। और इस इमेज को देख के कहीं आपका भी मन ना कर रहा हो कि चले आइए घूम के आ जाएं। दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी दैट एग्जिस्ट। कि आप कहीं पे जाते हैं, उस जगह की एक तो कोई खास वजह रहती है, आप जाके वहां पे कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। तो इंडिया इसराइल रिलेशनशिप को वैसे तो बहुत अलग तरीके से दिखाया जा सकता था, पर एक बहुत ही खास तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। ट्राई टू हैव दिस आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सनी सनी। सो दैट्स अ सॉन्ग ऑल्सो, एंड इट लुक्स लाइक हाउ इंडिया एंड इसराइल रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी हैविंग दैट सनलाइट। तो सन का भी रिश्ता होगा और भी चीजों का रिश्ता होगा, बहुत एक अलग ही डिप्लोमेटिक टाइज हमारे बीच में है स्टार्टिंग से ही। तो आइए इसी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज चंद्रमौल इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी हैव बीन मीटिंग सिंस लास्ट फ्यू डेज आई सपोज, जहां पे हम लोग काफी मैड और मैप से बातें कर रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स कोशिश करते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का, उसको यूज करिए और क्रैक करिए इस एग्जामिनेशन को। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, चंद्रमौली सर फॉर यूपीएससी। और ये है ग्रुप चंद्रमौली SIR, आप इन दोनों चीज को फॉलो कर सकते हैं और बहुत चीजें यहाँ पे सीख भी सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा एक सेशन होने वाला है कल 7 बजे, जिसमें आपको एक स्पेशल सरप्राइज भी मिलने वाला है। और कल हम आपको बता दें एक तरह से स्पेशल क्लासेस का पूरा हम दिन रखने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले बहुत दिनों से ले नहीं पा रहे थे, हेल्थ रीजंस, फेस्टिवल रीजंस, बहुत कुछ चल रहा था। तो कल अच्छा खासा आपके साथ हम बैठना चाहते हैं, तो अगर आपको लगे कि समय है तो आप जरूर आइएगा। हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो ये कल एक सेशन होने वाला है 7 बजे, जहां पे एक तो ये है कि इंटरव्यू का जो भी चीजें हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, प्लस टॉकिंग अबाउट हाउ नाउ टू अप्रोच अबाउट दिस यूपीएससी एज द डेज व्हाटएवर डेज आर रिमेनिंग। अभी बहुत समय, चिंता मत करिएगा, तो रजिस्टर कर लीजिएगा और कल हम लोग फिर मिलते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप अगर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइबर है तो आपको ऐसा फ्री में मिल जाएगी, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और चालू करने से पहले एक बहुत अच्छा श्लोक आपको बता दें, कहा जाता है कि अच्छा रजिस्ट्रेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए, वहां कैलेंडरली करके एक आएगा, कैलेंडरली करके आएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उससे रजिस्टर कर लीजिए। कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वनाश हेतु, मतलब अति ही सर्वनाश का एक जरिया बनता है, तो अति को मत करिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, ना अति बोलना चाहिए, ना अति चुप रहना चाहिए, ना ही अति आपको खाना चाहिए, ना ही अति पढ़ना भी अति नहीं चाहिए, ना ही अति घूमना चाहिए। तो किसी भी चीज का अति मत करिए, बिकॉज अति कॉल्स अप योर दिस माइंड डज नॉट वर्क देन, इट इज ऑल अति दैट इज बीइंग डन। और जहां अति हो जाए उसको बंद ही कर देना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। चलिए चालू करते सेशन और इंडिया इसराइल के बीच में बात करते हैं। 1948 का समय चल रहा था, ये सारे वेस्टर्न की पॉलिसीज रही है, वेस्टर्न लोगों ने इस कदर बंटवारे की हैं जगह के कि क्या ही आपको बताया जाए। 1948 का समय है और लगभग आप देखेंगे तो अभी तक आपको इसराइल बहुत सही से दिखेगा भी नहीं। देखिए आपको इसराइल कौन सा लैंड है, जो कि आपका ज्यूइश लैंड आपको दिखेगा। अब आप देख सकते हैं पूरा आपका पैलेस्टीनियन ही टेरिटरी है, यहां पे आप देखेंगे कुछ कुछ एरिया में आपको ज्यूइश लैंड दिखेगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे तो 1947 मतलब एक यूएन का प्लान आता है, कुछ पार्टीशन किए जाते हैं और आपको दिखेगा इसराइल की टेरिटरी अचानक से इतनी बढ़ गई। 1947 देखेंगे वॉर भी हो रहा है और इससे आप देखेंगे कि इसराइल ने अपना टेरिटरी कितना एक्सपेंड कर लिया, पैलेस्टीन का टेरिटरी देखिए कितना कम हो गया। और आज का भी आप हालत देखेंगे कि कैसे इसराइल जगह जगह पे जाके अपना ऑक्यूपेशन कर रहा है। ठीक है, तो 1948 इसराइल वॉज फाउंडेड, पर इंडिया हैड वोटेड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इसराइल, क्योंकि पार्टीशन कर रहे हैं पैलेस्टीन का, तो हम उसके खिलाफ थे, क्योंकि हमें लगा कि आप तो बंटवारा कर रहे हैं धर्म के नाम के। तो पार्टीशन वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस एंड इसराइल वॉज टू बिकम द कंट्रीज ऑफ द ज्यूज, तो आप धर्म के नाम पे बंटवारा क्यों कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प एनीवन। हमारा 1947 हम भूले नहीं थे, और 1948 में हमें लिखा कि वेस्टर्न लोग बहुत ही ज्यादा इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं ताकि अपने आप को सिक्योर रखे और बाकी जनता लड़ती रहे। अब इंडिया में भी आप समझ सकते हैं, वी हैड अ कंसिडरेबली वेरी हायर पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स, सो द लीडर्स डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ द ग्रेट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसीलिए हम उसके खिलाफ थे, एंड इंडिया डिड नॉट और वी वोटेड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इसराइल बाय पार्टिशनिंग, तो हम उनके एकदम खिलाफ थे। गुड इवनिंग जैन, फिर से सभी का स्वागत है। तो 1947 को हम भूल नहीं पाया था, 1948 में फिर से वैसे ही कवायद हो रही थी और यूएन बैक्ड, इट वॉज अ यूएन बैक्ड प्लान, यूएन भी मदद कर रहा है कि इन चीजों में। अब आप समझ सकते हैं यूएन कैसे एक तरह का फेल्ड चीज है, आप समझ सकते हैं।
1950 की बात करते हैं, हमने तो उसके खिलाफ की बात की थी, पर चूंकि बन चुका था यूएन प्लान के तहत इसराइल बन चुका था, तो इंडिया रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल, बट वी नेवर हैड आवर डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश्ड विद देम। और इंडिया 1991 तक कोई डिप्लोमेटिक टाई नहीं बनाने वाला, पर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। कहा जाता है इंडिया, ये देखिए आप उस समय का हिंदुस्तान टाइम्स हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी अप्रूव्ड। अब आप एक चीज देखेंगे, द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ इजराइल वाज नेगेटिव एज इट वाज अ स्टेट फॉर्मड ऑन रिलीजन एंड एनालॉगस टू पाकिस्तान। तो हम तो एकदम साफ समझ चुके थे कि ये लोग गलती करने वाले हैं। दिस वॉज बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया वॉज अ यंग स्टेट दैट नीडेड टू टेक इन टू अकाउंट द अरब स्टेट्स न्यूमेरिकल इंपैक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आज बैठ के शायद हम और आप चर्चा कर सकते हैं कि साहब उस समय के लोगों ने गलत सोचा, पर आप खुद सोचिए, आप आजाद हुए खुद, आप आजाद, अरे आप खुद सोचिए यार, आप एग्जाम देके पास हो जाते हैं क्या, पहले दिन ही आपको डीएम बना देते हैं? नहीं बना सकते, ट्रेनिंग होगा, 5-6 साल वेट करेंगे, तब जाके आपको भी देखा जाएगा आपको, तब जाके अगर आपको डीएमशिप मिली तो मिली, नहीं तो हो सकता है 10 साल वेट करना पड़े। हम तो आजाद हुए हैं, अभी चीजें सीख रहे हैं, अचानक से किसी को भी कैसे रिकॉग्नाइज कर ले। और दूसरा ये बात है कि हम आजाद हुए, हमारे पास भी एक सेंटिमेंट है, वी वांटेड टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि अफ्रीकन वर्ल्ड अरब वर्ल्ड इसको कैसा ले रहा है, और हम अपने उनका इंपैक्ट अपने ऊपर भी देखना चाहते हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं हम इन चीजों के खिलाफ थे, क्योंकि वी वॉन्टेड द अरब वर्ल्ड टू बी देयर विद अस, अरब वर्ल्ड का हम साथ चाहते थे, तो हम उसका न्यूमेरिकल इंपैक्ट भी देखते थे, भाई अरब कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं हमारी मदद भी करेंगी, यूएन के पटल पर हमारी बात करेंगी, सो इट कुड नॉट अफोर्ड टू एंटागोनाइज द पॉपुलेशन दैट वॉज प्रेजेंट। तो ये सब चीजें हमारी एकदम साफ साफ चल रही थी, पर हमने ठीक है बोला कि अब इसराइल तो चलिए आपने बना दिया, हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेते, पर कोई डिप्लोमेटिक टाई सेटअप नहीं होने वाला। पर आपको मजे की बात पता है, 1953 कॉन्सुलेट ऑफ इसराइल वॉज ओपन्ड अप इन बॉम्बे। मस्ट टेल यू, इसराइल तो ढूंढ रहा था कि हमें दावेदार मिले, हमें साथी मिले। 1962 का वॉर, 1965 का वॉर, 1971 बांग्लादेश को हमने अलग बना दिया, पर इन सब में इसराइल ने हमारी मदद की है, भले ही छोटे मोटे वेपन्स भेजे, भले ही छोटे मोटे मोटार्स भेजे, पर इसराइल ने हमारी मदद की। द क्रूशियल वेपन्स एंड द इजरायली इंस्ट्रक्टर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल सच वॉर्स। आई मस्ट रीड आउट समथिंग, ट्रिब्यून का है, देखिएगा 1971 का है ये, 2 पाक वॉरशिप्स, 1 सबमरीन संक, कराची पोर्ट ब्लास्टेड बाय इंडियन मैन ऑफ वॉर, एनिमी नेवल हेडक्वार्टर्स इन ग्रिप ऑफ पैनिक। तो ये सब उस समय की कहानियां हुआ करती थी। और हम आपको बता दें, डिस्पाइट हिज स्ट्रॉन्ग टाइज विद द अरब वर्ल्ड, हमारा स्ट्रॉन्ग टाइप था अरब वर्ल्ड से, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू इजराइल विद द सिचुएशन, व्हेन द सिचुएशन सो डिमांडेड। नमस्कार, नमस्कार अविनाश जी, स्वागत है। अब एक चीज और समझिएगा, जब हम बात करते हैं, आज बैठ के हम बात करते हैं डीहाइफनेशन, अभी आएगा आगे हम आपको बोलेंगे डीहाइफनेटिंग, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा आपको एक लेके चलते हैं एक दुनिया में जहां पे आपको कुछ सोचना होगा और सोचिएगा बैठ के, ठीक। मान लीजिए एक्स से, एक्स वाई से दोस्ती रखता है, और एक्स जब वाई से दोस्ती रखता है तो वो जब भी वाई को विजिट करता है वो उसके बगल में जेड को भी विजिट करता है। अब वाई और जेड के रिश्ते हो सकता है खराब हो, पर हमारे रिश्ते वाई से भी अच्छे हैं, जेड से भी अच्छे हैं। तो जब हम वाई के घर जाते थे तो हम जेड को भी बोलते थे हाय है हाउ आर यू, आई आपके भी घर में कुछ खा पी लेते हैं, तो ये हमारा लगभग बैलेंसिंग अप्रोच था। अब हमने क्या किया, अब इनके रिश्ते जो भी हो, अब जब एक्स वाई के पास जाएगा तो बस वाई के पास ही जाएगा, जब जेड के पास जाएगा तो बस जेड के पास जाएगा, ये कोई वाई की बात नहीं होगी वहां पे। इसी को कहते हैं डीहाइफनेशन, डीहाइफनेटिंग द रिलेशनशिप, मतलब हमने एक का रिश्ता दूसरे से नहीं जोड़ा। आपके बीच में लाख लड़ाई हो, हमें क्या लेना देना, हम जब जाएंगे तो हमारा इनसे रिश्ता है, हम जब वहां जाएंगे तो हमारा रिश्ता तक है। क्या ये चीज आपको तो अभी नहीं दिखाई दे रही, भाई जवाहरलाल नेहरू साहब ने अरब वर्ल्ड को भी नाराज नहीं किया और हम इसराइल के पास भी पहुंच गए। और कुछ ही अखबारों में आता था उस समय का, देखिएगा, According to documents in the Israeli archives in the Jerusalem, at the peak of 1962 India-China hostilities, Israeli Prime Minister David Ben-Gurion wrote to Nehru expressing Israel full sympathy and understanding and provided weapons to the Indian forces. कौन करता है? 1962 के समय
जब हम परेशान थे तो एक हमारा यूएसएसआर खड़ा था साथ में, और कौन था हमारे साथ में, फ्रांस थोड़ा बहुत सपोर्ट देता रहता था हमेशा, यूएस और ये सब बाकी वेस्टर्न को देखेंगे सब परेशानी थे हमसे। नवंबर 18 की बात है, 1962 लेटर टू बेन गुरियन नेहरू राइट्स, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर कंसर्न फॉर द सीरियस सिचुएशन दैट वी फेस टुडे। I am sure you will appreciate that while India has never claimed an inch of territory belonging to another, इनका words पढ़िएगा, इन लोगों का बस words पढ़िएगा, अगर आपको goosebumps ना जाए तो कहिएगा। I am sure you will appreciate that while India has never claimed an inch of belonging to another country and is traditionally and fundamentally wedded to the ideals of peace and friendly settlement of disputes, she cannot but resist aggression on her own soil in the interest of safeguarding the national integrity and maintaining respect for standards of international behavior. क्या लिखा है समझिए, ये लिख के ये वही लिख सकता है जो वाकई में उस लेवल की मेच्योरिटी रखता हो, पढ़ा लिखा हो, वही लिख सकता है, समझिएगा। We and you want to reach to that level, तो criticize करके तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप appreciate करके जरूर अच्छे level पे पहुंच सकते हैं, criticize करके कभी भी आप अच्छे level पे नहीं पहुंच सकते हैं। The cable which was accessed by the Hindu ने इसको access किया था at the Israeli archives is part of a series of exchanges between the two leaders during this October-November 1962. अब आप देख सकते हैं क्या बड़ी बड़ी बातें हमने की थी और उन्होंने हमारा समर्थन भी किया। That means that our ties with the Arab world were present, but we never hesitated to reach out to Israel also, और Israel ने मदद की। उसने इस बात का गौर नहीं किया कि जवाहरलाल नेहरू साहब अरब वर्ल्ड को तवज्जो दे रहे हैं, अरे हमने रिकॉग्नाइज किया आपको, हमने कॉन्सुलेट खोला आपको, नॉट ओनली दैट वी आर ऑल्सो हैविंग दिस रिलेशनशिप नाउ। और आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इसराइल इन 1950, द टू कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक टाइज ओनली ऑन 29th January 1992. As of December 2020, India was among 164 United Nations member states to have diplomatic ties with Israel. 1992 की बात है, Narasimha Rao साहब established diplomatic ties with Israel and says that this is the India's first move international arena in the post Cold War period. 1990s में Atal Bihari Vajpayee साहब as foreign minister and then as honorable prime minister, दोनों ही तरीके से बड़ा मजबूत करते हैं हमें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वाजपेयी साहब एक्सटेंडाइज एज द एरियल शेरॉन बिकम्स फर्स्ट एंड ओनली इजराइल पीएम टू विजिट इंडिया, बहुत अच्छे से चीजें हमारी चलने लगी थी। अब थोड़ा सा और इस पर चर्चा करें कि व्हाई इंडिया और रीजन फॉर इंडिया प्रायोरिटाइजिंग इसराइल, क्यों हम प्रायोरिटाइज करें इसराइल को, तो इसके पीछे कहानियां हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में बनता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में मुस्लिम नहीं रहते, उनको ऐसा प्रतीत होता है, किसी गलत फहमी का शिकार थे वो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से इंडिया को बाहर रखा जाता है, दस नेग्लेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स बाय ब्लॉकिंग इंडियाज मेंबरशिप टू दिस ग्रुप by Pakistan is one of the primary triggers for the change of instance or whatever things that we were changing. So 1960s onwards हमारी चीजें लगभग हमारे दिमाग में क्लियर हो गई थी कि ये परेशान करेगा। तो इसराइल को हम लोग इसलिए देखने लगे थे क्योंकि लोग ऑलरेडी हमें मान चुके थे कि आपको मुस्लिम सेंटिमेंट से क्या मतलब है, अरे उन्होंने हमारा इतिहास नहीं देखा भाई, आप फ्रीडम मूवमेंट देखिए, ऐसा थोड़ी ना कि यार यू कैन से एनीथिंग, आप हमारा मूवमेंट तो देखिए, नेशनल मूवमेंट तो वो भी उतने इंडियन है, As we all are Indian, सब इंडियन ही, जो यहां रह रहे हो सब इंडियन है। पहले बैकिंग ऑफ कश्मीर की अगर आप बात करें, इंडिया हैज रिसीव्ड नो बैकिंग फ्रॉम द अरब कंट्रीज ऑन द कश्मीर इशू। यहां पे दुविधा उत्पन्न हो गई कि हमने तो आज तक अरब को सपोर्ट किया, अरब वर्ल्ड हमारे कश्मीर पे कुछ बोलता ही नहीं था और लगभग देखते थे तो पाकिस्तान का टोन अपनाने लगा था, तो यहां पे अरब वर्ल्ड चाहता तो पाकिस्तान में प्रेशर लगा के कुछ कर सकता था, भाई इंसर्जेंसी रोको, कश्मीर हमारा है, हमको तो इसमें परेशानी की क्या बात है, पर अरब वर्ल्ड ने कुछ बोला नहीं, इसलिए हमारा दिमाग हुआ कि नहीं यार ये थोड़ा सा डाइसी चल रहा है, वी मस्ट गो टुवर्ड्स इजराइल। सपोर्ट इन क्रूशियल वॉर्स, इजराइल सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर्स, द लिबरेशन दैट वी डिड फॉर द ईस्ट बांग्लादेश, तो इस सब में हमें सपोर्ट मिला। इंडिया का यूएस एलिजेंस आप देखेंगे तो लगभग यूएसएसआर तो खत्म हो चुका था, तो अब हमारे पास यूएस ही एक वर्ल्ड पावर बचा था और इंडिया ने अपने आप को एसर्टिव तरीके से यूएस की तरफ जोड़ने लगा। दैट मींस इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूएस, और यूएस का ही तो है पूरा आइडिया इसराइल का, आखिर इसराइल मौजूद क्यों है, क्योंकि यूएस चाहता है कि वो मौजूद है, यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है ज्यूज की, वो चाहती है कि इसराइल रहे, इसलिए इसराइल है।
तो हम अगर यूएस की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मकसद है कि हम जरूर ना इसराइल की तरफ जरूर जाएंगे ही जाएंगे। डिविएशन फ्रॉम नॉन अलाइंड मूवमेंट। After decades of non-alignment and pro-Arab policy, 1992 India changed its stance and established full diplomatic ties with Israel. अब एक बात तो थी कि अब ये world actually emerge कर रहा था not as non-alignment but as all alignment. अब हम non-alignment के चक्कर में क्या हो रहे थे? Isolated feel करने लगते. So what we did is कि अभी सिर्फ आपसे हमें मतलब नहीं, हम सबसे मतलब रखेंगे, हम इसराइल भी मतलब रखेंगे, हम पैलेस्टीन भी रखेंगे, जहां जहां दुविधा होगी हम सब जगह मतलब रखेंगे, बिकॉज वी हैव मूव्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट। इसराइल हैज ऑलवेज बीन अ वोकल सपोर्टर ऑफ इंडिया परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। सोचिए बहुत बड़ी बात है ये, इसराइल हमारा सपोर्ट करता है कि साहब इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट दो, तो बड़ी बात है ये, हम तो ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं। और इसराइल की टेक्नोलॉजी पकड़िए, हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी जितना है लगभग उसका बेस देखेंगे तो इसराइल से ही बना है, एंड हेंस वी मूव्ड टुवर्ड्स इसराइल। 2017 की बात करते हैं आप सीधे, क्योंकि लगभग बीच में ऊपर नीचे चीजें चल रही थी जो हम आपको इस मैप पे दिखाना चाहेंगे। तो वाजपेयी साहब ने बहुत अच्छा सा कंसोलिडेट कर दिया था एक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड, यूपीए गवर्नमेंट आई और उसने बहुत अच्छे से विद सेम विगर had lot of things tied with Israel. Several ministers from India visited Israel, including the foreign minister S.M. Krishna Sahab. Ties with Israel would expand in 2000s in areas like agriculture, cyber security, technology. So, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जितना फ्रंट है ये ऐसा नहीं कि आज ही पैदा हुआ, ये लंबा चला है 1990s 2000s and hence we have developed such ties. 2014 की बात है या 2017 की बात करें, इसराइल पीएम लाइकली टू विजिट इंडिया। 2015 की बात करें, प्रणब मुखर्जी जी बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट इसराइल इन 2015। और अभी और आगे बढ़ते हैं, 2017 में फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इसराइल। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट विजिट पैलेस्टीन ड्यूरिंग दिस ट्रिप, ब्रेकिंग फ्रॉम कन्वेंशन दैट वॉज अर्लियर एग्जिस्टिंग। पहले क्या होता था, हमारे एस एम कृष्णा साहब गए इसराइल, अब वो पैलेस्टीन भी जा रहे थे, हमारे यहां से कोई भी गया एम्बेसडर तो वो पहले पहुंचा वहां इसराइल, फिर चला गया पैलेस्टीन भी, क्यों जाते थे भाई, अब दोनों को इज्जत तवज्जो दे रहे थे। मान लीजिए हम कभी अशोक जी के घर जा रहे हैं, हमको पता है अशोक जी के घर के बगल में शुभनीत जी भी रहते हैं, अगर हम अशोक जी के घर जा रहे हैं शुभनीत जी नाराज हो जाएंगे, सर हमारे पास नहीं है, सर हमसे क्या खता होगी, तो हम क्या करते थे, डिहाइफिनेशन हम हाइफिनेट करते थे कि भाई अगर इनके पास जा रहे हैं तो इनके पास जाना जरूरी है, नहीं तो नाराजगी हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि ऐसा है, हमारा आपका एक अलग संबंध है और हमारा आपका एक अलग संबंध है, हम आपके यहाँ आएंगे जब हमें लगेगा कि ऐसा कोई जरूरत है, और हम आपके यहाँ भी आएंगे, आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ भी आएंगे जब हमें लगेगा कि ऐसा कोई बात होगी। तो डीहाइफिनेशन चालू हो चुका था इंडियाज रिलेशन विद पैलेस्टीन इसराइल, दैट इज इंडियाज रिलेशन विद इसराइल एंड पैलेस्टीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वी आर नॉट हाइफिनेटिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and should be weighed on their own merits. भाई आपका अलग संबंध है हमसे, आपका अलग संबंध है, अब हम आपके संबंध के कारण उनका संबंध अपने से क्यों खराब करें? हो सकता है आपके बीच में 10 चीजें चल रही हो पर हम अपना संबंध क्यों खराब करेंगे? We want our strategic partnership to be there. 2018 की बात है, एक रेजोल्यूशन होता है UNGA में, इंडिया वोटेड अगेंस्ट द रिकॉग्निशन ऑफ जेरूसलेम एज कैपिटल ऑफ इसराइल। ये आप देख सकते हैं जेरूसलेम आपका ये रहा, जेरूसलेम एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है इस्लाम के लिए भी और जुडाइज्म के लिए भी, तो आप अगर किसी एक का कैपिटल उसको बना देंगे तो शायद ये दिक्कत वाली बात होगी। इफ यू डिक्लेयर दिस एज द कैपिटल ऑफ इसराइल इट वुड एक्चुअली बी नोशनल दैट यू आर डिनाइंग द एंट्री ऑफ सम अदर कम्युनिटी हियर। Hence, India voted against the recognition of Jerusalem. यहां पे हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा, इंडिया इसराइल और पैलेस्टीन के लिए, हालांकि इसको हम पूरे अलग ही एक लेक्चर में कवर करेंगे, एक वर्ड आता है डैश डैश सोल्यूशन फॉर इसराइल एंड पाकिस्तान, वो आप नीचे भी कमेंट करके बता दें या जो बाद में देखेगा वो बाद में बता देगा। इंडिया ने इसराइल और पैलेस्टीन का एक सोल्यूशन दिया है और वो सोल्यूशन लगभग बहुत जगह चर्चा भी होता है, डैश डैश दो चीजें आपको बतानी है, वो क्या सोल्यूशन है जो हमें चाहिए वो आप हमें लिख के बताएंगे या फिर आप कमेंट में करके बताएंगे। खैर अब यहां पे इजराइल ने सोचा कि यार इंडिया ने ऐसा क्यों किया,
पर इसराइल इस बात को तो जानता है, इंडिया हैज ऑलवेज वांटेड टू हैव पीस टॉक्स, ऑलवेज वांटेड टू हैव कि आप दोनों ही चीजों को संबंध बना के रखे, दोनों ही कम्युनिटी को पूरा इंपॉर्टेंस दे। ऐसा तो कभी नहीं चाहा कि आप बस इंपॉर्टेंट हो, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो इसराइल को आप गौर से देखिए, अब ये पूरा आपका इसराइल का टेरिटरी येलो में दिख रहा है, और ये जितना पार्ट है वो पैलेस्टीन का है, जिससे गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी को छूता है, और ये आपका वेस्ट बैंक है जो कि वेस्ट में नहीं है। सोचिए, वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं, ईस्ट में है। तो वेस्ट बैंक हमारा जॉर्डन को छूता है और हमारा गाजा जो है वो मेडिटेरेनियन सी को छूता है। अच्छा, ऊपर आइए, गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स आपका सीरिया का लगभग जो एकदम निकला हुआ पार्ट है, गोलन हाइट्स है। तो दीज आर द एरियाज दैट हैव कम अंडर द पैलेस्टीन, 1967 के वॉर के बाद बिल्कुल पैलेस्टीन के ही अंडर में रहा। ठीक, अब आप देखेंगे तो यहां पे वो चीजें जो पैलेस्टीन, इसमें यहां पे आपका वेस्ट बैंक और गाजा का बना हुआ ना। तो प्रॉब्लम इज कि यहां पे लगभग वॉल और ये सब बनाने की बात है, बहुत वॉर भी होता रहता है, ये सब न्यूज में काफी रहता है। तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जेरूसलम को, हाँ सृष्टि जी बिल्कुल सही पकड़ी है, सृष्टि जी बिल्कुल सही पकड़ी है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमस है, अब वो लोग क्या करते हैं कि भाई देखिए, परेशान जो भी होगा कुछ ना कुछ तो वो भी परेशान करेगा ही करेगा। इसराइल भी इतना कोई दूध का धुला नहीं है और ना ही पैलेस्तीन है, तो वो आपस में लड़ते भी रहते हैं, लड़ते रहते हैं। इसमें कई बार आप देखेंगे, लास्ट टाइम एक न्यूज आ रही थी 2021 की बात है, 20 की बात है, कि एक हमारा इंडियन वहां पे था, उसको मोर्टार से अटैक हो गया, ही वॉज डेड देयर। तो ये सब चीजें चलती रहती है, तो हम चाहते हैं कि एक सोल्यूशन हो जाए। फिर बात करते हैं कि हमारा क्या है और रिलेशन। तो आप देखिए, इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन इंडिया और इसराइल का अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बैलेंस आपको दिखता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग हम लोग चालू किए थे $200 मिलियन के आसपास 1992 में, आज हम लोग कहीं पहुंच चुके हैं $6 बिलियन के आसपास। और $6 बिलियन के आसपास पहुंचने के बाद मजे की बात यह है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। लीजिए मजे की बात, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डायमंड चाहिए, हम डायमंड बेचते हैं, लो डायमंड। सो व्हेन वी गिव देम डायमंड, कॉस्टली है, ट्रेड इन डायमंड्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बायलेटरल ट्रेड, एंड अराउंड $4 बिलियन का तो हम वहां भेज रहे हैं, यहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इंपोर्ट, तो बैलेंस अगर आप देखेंगे तो हमारे फेवर में, ट्रेड बैलेंस विद यूएस एंड इसराइल ऑल्सो, डू रिमेंबर, ट्रेड बैलेंस विद यूएस एंड इसराइल ऑल्सो इज इन आवर फेवर, इज इन आवर फेवर। और इंडिया इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया में, और अगर पूरे ग्लोबल देखेंगे तो 7th लार्जेस्ट है। इजरायली कंपनी बहुत हमारे यहां आती है, बोलती सर एनर्जी सेक्टर में हमारा योगदान ले लो, हम आपको सोलर एनर्जी दे देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी दे देंगे, वाटर टेक्नोलॉजी दे देंगे, ले लो हमसे। और हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी बात कर रहे हैं, जब हो जाएगा तब हम आपको न्यूज दे देंगे। अगला पार्ट देखिएगा डिफेंस, और वाकई में बहुत अच्छा इमेज हम आपको दिखाना, देखिए ब्रदर्स इन आर्म्स, देखिएगा इसको, मतलब आप देखेंगे जब भी हमारा लगभग 30 साल 25 साल, 1992 है तो लगभग आप समझ सकते हैं जब 25 साल हुआ होगा तो चीजें आई होंगी। 2022 फिर से कुछ चीजें हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, 2023 में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो देखिएगा आप लगभग, आप देखेंगे अपना एयर डिफेंस सिस्टम, देखिएगा बराक वन, MRSAM, स्पाइडर, फैलकॉन एवॉक्स, ये आपका एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, स्पाइस बॉम्ब, स्पाइक मिसाइल, द गलिल स्नाइपर राइफल्स, आईवी डाइवर, एरोस्टेट रडार्स, हिरॉन आर्म्ड ड्रोन्स, ये सब तो हम उन्हीं से खरीद रहे हैं। सिर्फ खरीद नहीं रहे, हम उनसे टेक्नोलॉजी भी लेते हैं। अब आप समझेंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इसराइल, तो इसराइल का मिलिट्री इक्विपमेंट जो सबसे ज्यादा खरीदता है वो हम ही है, विच इन टर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया आफ्टर एशिया। The Indian Armed Forces have inducted a wide array of Israeli weapon systems over the years, which range from Falcon, AWACS, Airborne Warning and Control System, Heron, Searcher 2, and Harop drones to Barak anti-missiles defense systems and Spider quick reaction anti-craft missile system. एक दो नाम याद रखिए, जैसे Heron नाम याद रखिए, नाम याद रखिए AWACS, AWACS क्या? Airborne Warning and Control System, AWACS। और कुछ चीजें आपको याद रखनी है, देख लीजिएगा यहां पे, आप ये देख सकते हैं हमारा ये है बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, हम सब उन्हीं, तो हम देखिएगा सारा डिफेंस के लिए ले रहे हैं, ये सारा हमारा लगभग आप देखेंगे तो डिफेंस वाला पार्ट है, डिफेंस मतलब डिफेंसिव वाला पार्ट है। तो हमारे भाई दो बॉर्डर पे हमें बड़ा खतरा है, ये दोनों ही हमारे दोस्त है जो हमें परेशान कर सकते हैं। अब दोस्त को आप जिस भी मतलब से समझ जाए, दोनों ही दोस्त है जो परेशान कर सकते हैं। और अगर वॉर एट टू फ्रंट हुआ तो हमें एक जगह चाहिए डिफेंस और एक जगह चाहिए अटैक,
ये हमें देता है ड्रोन, ये हमें देता है अर्ली एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, ये हमें रडार्स देता है, तो हम अपना डिफेंस सिस्टम तो मजबूत रखें, एंड दैट व्हाट इज हैपनिंग। हमारा अच्छा रिश्ता है इनसे अगर आप बात करते हैं डिफेंस सिस्टम का। तो ब्रदर इन आर्म्स में हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे, आप ये देख सकते हैं इमेज बहुत अच्छे से आपको चीजें दिख जाएंगी। हाउ डू वी हैव वी हैव टेकन द बराक, एमआर सैम, आईवी टेवर, ये सब हम उनसे लिए हुए हैं। टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो एक बात होता है, देखिए एग्रीकल्चरल की काफी टेक्नोलॉजीज हम बाहर से लेते हैं। इसराइल इज नोन फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसराइल का एग्रीकल्चर पूरा ड्राई लैंड है, वहां पानी कहां बरस रहा है, वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कर रहा है, इरिगेशन कर रहा है, नए नए सीड उगा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं उसे पूछें और सीखें कि भाई ये जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कर रहे हो थोड़ा हमें भी बता दो, क्योंकि इंडिया हैज 60% ऑफ इट्स लैंड अंडर ड्राई लैंड और मे बी रेनफेड फार्मिंग, हमें फायदा मिलेगा, हमें बता दो। तो एग्रीकल्चर का इसराइल और इंडिया का एक बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिसेंटली एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड इसराइल डेलिबरेटेड ऑन वाइडनिंग द स्कोप ऑफ इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल आरएनडी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड I4F एट इट्स फोर्थ गवर्निंग बॉडी। सिंपल सी बात है भाई, अगर इंडिया और इसराइल एक दूसरे का साथ दे तो वी कैन हैव लॉट ऑफ सैटेलाइट्स और मे बी एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ इसरो, एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ एनी आरएनडी दैट वी वांट टू डू, एंड वी कैन इवन डेवलप म्यूचुअल सेंटर्स फॉर एनी सच टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों हमारे बीच में हो सकता है, तो ज्वाइंट एफर्ट जब भी होगा आरएनडी प्रोजेक्ट्स पे तो मजा आ जाएगा। तो ये सब तो वो रिश्ते हैं। जैसे वाटर की बात करें, वाटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसराइल को देखिए, बेचारे के पास पानी कहाँ है, पर इसराइल टेक्नोलॉजी कर रहा है, ढूंढ रहा है कि हमें पानी को पोर्टेबल बनाना है। वही चीज हम उसकी थोड़ी बहुत सहयोग कर सकते हैं, और ज्यादा वही हमारा सहयोग करने वाला है, क्योंकि हमें भी वाटर क्राइसिस के बारे में पता है, हमारा भी वाटर क्राइसिस चल रहा है। आज हमें समझ में नहीं आ रहा, पर 15-20 साल जब हम और आप मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे, सर वाटर क्राइसिस तो चल रहा है, और ये सही में चल रहा है। इसराइल से थोड़ा सीख लेना चाहिए कि कैसे वाटर मैनेजमेंट करना है, एंड दैट कुड हेल्प अस। तो लगभग आप देखेंगे ये सारा हमारा सेगमेंट था इंडिया इसराइल का, और ये और इसी को फिर से एक बार देखते हुए आपके सामने फिर से हम एक इमेज लाना चाहेंगे कि इस मीट को बिल्कुल बहुत बढ़िया से देखा जाए कि आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी है सनी सनी। तो इंडिया इसराइल का रिलेशनशिप तो अभी सनी सनी में चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, एंड आई थिंक इट इज ग्रोइंग मच मच फास्टर एंड विल ग्रो मच फास्टर। आज के उभरते इस विश्व ऑर्डर में अगर हमें चाहिए तो हमें ना से आज चाहिए, मतलब ऑल अलाइनमेंट चाहिए, और इसराइल को हमारी आवश्यकता है और हमें भी इसराइल की आवश्यकता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसराइल हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें भूलना नहीं चाहिए। और जब उसे ऐसी जरूरत पड़े जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, जहां पे किसी का लाइफ का सवाल ना हो, वहां हमें इसराइल की मदद करनी चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आपको बता दें कि जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, और कल रात में 7 बजे आपको इस ऑफर का एकदम पहली बार इस ऑफर को आया होगा जो हम आपको कल देंगे। सीएमसी कोड पे आप लाभ ले सकते हैं, कॉम्बो भी आप ले सकते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल का, इससे भी आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। सिर्फ अगर ऑप्शनल लेना है तो उसका भी लाभ ले लीजिए, आपको सीएमसी कोड पे 10% ऑफ अभी मिल रहा है, कल के ऑफर में आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। लास्ट माइल प्रोग्राम उनके लिए जो दे रहे हैं इस बार का इंटरव्यू, आप उनसे जरूर बोलिएगा कि अपना डैफ सबमिट कर दें, और उनके डैफ को हम स्टडी करके बहुत अच्छी चीजें बता देंगे। प्लस वी विल हैव देयर मॉक इंटरव्यूज बीइंग कंडक्टेड, डाउट ब्राउज फीचर भी हमारे पास, सिंपल स्टेप्स में आप इसको देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हो आप उसको आराम से देख सकते हैं। बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, आप इसमें इनरोल कर लीजिए सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके। UCSC हो रहा है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, 50 क्वेश्चन 60 मिनट जीतने को है, 40 करोड़, और आप इसमें जीत सकते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट, और जरूर फिर आप पार्टिसिपेट कर लीजिए हमारे किसी कोर्स में। अच्छा, आप इस सेशन को, आपसे एक विनती है कि थोड़ा सा और इसको शेयर कर दे ताकि लोगों तक पहुंचे, बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो धीरे धीरे जब पहुंचेगा तभी इसको फिर हम लोग एक्सपैंड कर पाएंगे, एंड वी आर ब्रिंगिंग इन करंट अफेयर्स ऑल्सो, वी आर ब्रिंगिंग इन सीसैट ऑल्सो। तो जब ये लोगों तक पहुंचे इसको प्लीज, तो अगर आप अगर स्टेटस लगा ले या कुछ हमारी चीजों को भी डाल दिया करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी हमारे ऊपर। तो दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, इतना तो हम आपसे खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन भी हमारे पास सभी हैं, आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, एंड जीएस मेन स्टडीज को आप देख सकते हैं, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन आवर मेन स्टडीज, सो यू कैन टेक पार्ट इन दैट ऑल्सो। सीएमसी कोड पर आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, तो आप अपना आराम से ईएमआई बना के भी उसका लाभ ले सकते हैं, एंड देयर इज अ कंपीट सेक्शन दैट इज गोइंग ऑन। आपके ऐप पे आप कम्पीट कर सकते हैं दूसरे, तो मतलब शुभनी जी कम्पीट कर सकते हैं, सबिया जी से, और मे बी अशोक जी से कम्पीट कर सकते हैं आप लोग। तो
दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा. और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है. जो निरंतर है वही सफल है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. जय हिंद. बाय बाय. टेक केयर.